धोखे का वार, धोखे का वार, नागमणि का चमत्कार, उर्फ तांत्रिक जयकाल का कहर। आप देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंगू। दोस्तों बने रहेगा अपने इस चैनल फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर, बजाते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट पर अपना सुझाव देना ना भूलें। आज जो आपके लिए प्रस्तुति लेके आए हैं उसको प्रस्तुत किया है मुन्ना मास्टर मीरख नगर निगोहा लखनऊ से। तो दोस्तों यूं ही मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो, हे मंगल भवन अमंगल हार, कब हो तो दशरथ हम रामायण गा रहे हैं, आशीर्वाद है, और तुम ये क्या चीज गा रहे हो? कहे कुछ गलत कह दी ना का? क्यों नहीं? वह ममूतर जो घुसे नहीं दिया हैं। इज्जत चाहो तो रखो रंडी। कहे महाराज के दरबार में नाचे वाली रंडी होती रहे तो नाच गाय के शोभा बढ़ाती नहीं बढ़ाती? तो मैं कौन हम गलत कह दी ना? नहीं नहीं वैसे तो तुम सही कह रहे हो भाई। अब तुम्हारे आगे को है हो बेटा, तुम खुराफातिन वाली बातें बतलाई हो कह? कौन खुराफात या खोज दी ना हम? काहे कहत कबीर सुनो भाई साखी और तीन जनन की वंती से आखी। हम कौन गलत कही थी का? अच्छा पंडित जी आए हो, तुमका पता नहीं? नहीं पता तो है, लेकिन तुमके पूछा चाहिए थे। आदमी तीन आखी वंती से। हाँ बताओ। न बता पाई हो? हम बताई। अरे हम तो जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। यो बताओ रावण के कैसे शीश रहे? अरे तुम बताओ ना। दस शीश रहे हैं। हाँ बीस आँखी हो गई। बीस आँखी हो गई। ब्रह्मा जी के कैसे शीश रहे हैं? चार। कई आँखी हो गई? आठ। आठ और बीस आठ कितने हो गई? अट्ठाईस हो गई। और यहाँ का शुक्राचार्य पंडित जी के रहे उनतीस आँखी हो गई। अरे आखी दुई। बताओ पंडित जी का है?
तुम ही बताओ यो काया है। हम जाने तुम लोग हम तक पहुंची बाबा थोड़े हो, लेकिन अब कहा बताए महाराज का देश नहीं नहीं तुम बहुत ज्यादा पहुंची बाबा हो ना। कहा था कबीर सुनो भाई साखी, और तीन जने में दो जने की आखी कैसे बताओ। श्रवण के माता पिता अंधेर है, दो जने रहे दोनों सूर रहे, नहीं दिखाता रहे ना माता का ना पिता का। खाली श्रवण कुमार के दिखाता रहे उन्हें की दो आंखी रहे, ऊपर कोनो गलत कही तू। अरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हमका भजी है फायदा पड़ेगा भाई, हमका हरिका भजी हो तो हरिका होई और तुमका भजी हो तो लड़का होई। हां भजे रह जाको हुआ कि नहीं हुआ तो अच्छा, और तुमका ना भजे तो फिर लड़का ना होई कतई ना होई है, फिर भटक कटैया के पाती घोर घोर पिए के पड़ी तब होई है। अरे भैया का कही तुमका, तुम मोबाइल ले हो यहां, एक काम करो। हां हां चले हैं राजमहलों की तरफ, क्योंकि महाराज ने हमको बुलाया है। हां चलो 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 तुम चलो तुम चलो तुम। महाराज ज्योतिष बाबा आएंगे। हे गुरुदेव कंचनगढ़ नरेश आपको प्रणाम करते हैं। हेलो हे गुरुदेव आपको इस दरबार में अचानक बुलाने का कुछ ऐसा समय आ गया जो आपको बुलाना पड़ा। ठीक है राजन बोलो हमें किस लिए बुलाया गया है। हे गुरुदेव हमारी महारानी पूर्वा ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो मेरे सेना नायक रावत सिंह के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ किस बच्चे के मस्तक पर त्रिशूल का निशान है। हे गुरुदेव कृपा करके ये बताएं ये निशान का कैसा फल है। हेलो अवधेश कुमार भाई साहब, ये मेला कमेटी की तरफ से ये सीन पर खुश होकर 10 मुद्रा प्रदान करते हैं, पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। राजन गुरुदेव बालक को हमारी गोदी में दो। हाँ गुरुदेव बताओ इसका विवाह कब हुई जल्दी बताओ। वाह राजन वाह वाकई में ये बालक बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि महाराज इस बच्चे के मस्तक पर भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल का निशान बना हुआ है। हाँ गुरुदेव ये तो बहुत अच्छा है, और राजन ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है। अच्छा गुरुदेव राजन शायद इसी बच्चे के द्वारा एक दिन आपकी आंखों की रोशनी पुनः वापिस आएगी। क्या कहा गुरुदेव? कहा बताओ इसी बच्चे के द्वारा महाराज देखा लगी है। हाँ इस बच्चे द्वारा। हाँ हाँ अरे वारे महाराज हेलो महाराज क्या बात है। हेलो एक आवश्यक सूचना देखिए हमारे श्रीमान रिंकू भाई साहब एक राम कोटवा निवासी 11 रुपए का पुरस्कार भेजा है, और उनका कहना जो सज्जन लेजर टार्च मार रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लेजर टार्च मारना बंद करते हैं, भारी मेहरबानी होगी। सही है भैया बिल्कुल सही। और राजन हाँ मैं इस बालक का नाम शिवा रखता हूँ। अरे वाह गुरुदेव इस बच्चे का नामकरण भी आपने कर दिया और इस बच्चे का नाम शिवा रखता है। हाँ राजन क्या बात है। और गुरुदेव आपने एक बात कहा कि इस बच्चे के द्वारा मेरे आंखों में रोशनी आए। महाराज ये सच है, मैं तो धन्य हो गया आपने से लाल को जन्म दिया है जिसके कारण मैं भी दुनिया देख सकूंगा। प्रिय धन्य हो प्रिय हे गुरुदेव आपने ऐसा कुछ कहकर मेरा दिल जीत लिया है। हे सेना नायक हाँ
रणवीर सम्राट, मैं चाहता हूँ गुरुदेव को इतना धनमाल दे दिया जाए इनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है महाराज, आप बैठिए। दरबारी, कम हियर। मैंने कहा कम हियर। क्यों कहा है? यहाँ आओ, यहाँ आओ। देखो ये फारसी पढ़ाई हमने ना, हमने सीधे सीधे। अरे यहाँ आओ, आज हिम्मत कहो, यहाँ आओ भाई, जाओ। कहाँ जाइए? दरबार में। तो हिम्मत कहो और खजांची से कह दो महाराज का हुक्म है कि गुरुदेव को इतना धन दे दिया जाए कि आज के बाद इन्हें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, ताउम्र बैठ कर ऐश आराम के साथ अपनी जिंदगी बिताए। ठीक है, बैठो बैठो महाराज। गुरुदेव आओ भाई, यह बताओ तुम सीधा ले हो कि टेढ़वा ले हो, काले हो, जौन बताओ हम भेजी। बेटा हमें सीधा चाहिए। सीधा और टेढ़वा? ये सीधा और टेढ़वा क्या है? याक बात बताओ महाराज, टेढ़वा नहीं जाना कहा कहेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। मैं यहाँ दाल चाउर आटा और नमक रखा जो तो सीधा आवा करे। और टेढ़वा? टेढ़वा नहीं जाना कहा क्या है? लौकी, तुरई, करेला का? करेला नहीं खा दूंगा। नहीं खाते तो है लेकिन ये चीज नहीं चाहिए। अच्छा सब्जी नहीं खाते? सब्जी से एलर्जी है? नहीं नहीं एलर्जी नहीं है, खाते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन ये लौकी वाकी नहीं चाहिए, बस मुझे सीधा दिला दीजिए। चलो आओ आओ, तुमका सीधा दे। सेना नायक और ज्वाला सिंह, आज दरबार में, पूरे दरबार में संपूर्ण खुशियां मनाई गई बच्चे के जन्म उत्सव में। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि सेना नायक आप अपनी सरहद की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि कोई भी दुश्मन आपकी गैर मौजूदगी में चढ़ाई भी कर सकता है। सत्य कह रहे हैं महाराज, इसलिए मुझे इसी वक्त प्रस्थान करना होगा। बिल्कुल सही, मैं जा रहा हूं। सदा कल्याण हो आपका। और महामंत्री ज्वाला सिंह, कहिए सम्राट। आप प्रजा की तरफ जाएं और देखिए जो भी यहां पे धनमाल खुशियां लुटाई गई हर एक तक पहुंची या नहीं पहुंची। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। सदा खुश रहो, कल्याण हो आपका। प्रिय चलिए अब हम महल में आराम करते हैं। प्रिय चलो चल के आराम करेंगे हम। स्वामी चलो। जू 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 साले साले यहां मेरा दिल जल रहा और तुम माल कच कचवा बनी है गोल गप्पा। तुम्हारे दिल को जला जा रहा है।
दिल मेरा इसलिए जल रहा है कि सारा ढोंगी बाबा क्या उस बच्चे को बताया कि बच्चा बहुत बड़ा भाग्यशाली है और इसी बच्चे के द्वारा महाराज की आंखों में रोशनी आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं चलूं, ये सारा बाबा अपने घर तक नहीं पहुंचा होगा और इसे पूछूंगा आखिर मेरे भाग्य में क्या लिखा है, दानदाव वाला कितना विद्वान है। आगे की बात इस सीन के बाद बताऊंगा। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर करने की बात है। देखिए वही बाबा अभी रास्ते में है और उसी रास्ते में देखिए ज्वाला सिंह मिलता है और देखिए क्या करता क्या नहीं करता है, आप लोग देखिए। चलते हैं, महाराज ने मुझे इतना धन दे दिया है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलकर घर में बैठकर आराम करेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। और चाहे छाले हो बादल काले, चाहे पांव में पड़ जाए छाले, चाहे छाले हो बादल काले, चाहे पांव में पड़ जाए छाले, चल रे कांवरिया प्रणाम करता हूं। बेटा बोलो क्या बात है बेटा। बाबा आप तो सबकी भाग्य रेखा बताते हैं, और बाबा आखिर मेरी भाग्य रेखा में क्या लिखा है महाराज, मेरी हस्त रेखा देखकर बताइए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी हस्त रेखा देखकर बताऊंगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। बेटा शायद आपकी हस्तरेखा यह बता रही है कि आपके आपके ऊपर घोर संकट आने वाला है। क्या घोर संकट आने वाला है मेरे ऊपर? हाँ, ओ भी घोर संकट। हाँ। आखिर कौन सा संकट आने वाला है महाराज? बेटा अगर इस उपाय से आप बचना चाहते हो तो गरीबों में रक्तदान, धन दौलत यानी कि जितना हो सके भरपूर बांटो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा बेटा इस संकट से एक दिन तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। क्या कहा? मेरी मृत्यु हो सकती है? हाँ। असंभव। महाराज आपने मेरी भाग्य रेखा तो बता दी, मगर आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है? बेटा मेरी उम्र पूछ रहे हो अभी कितने दिन तक है? हाँ योगीराज, मैं 100 साल जीऊंगा। इस वक्त 60 साल का हूं, अभी 40 वर्ष और जीऊंगा, यानी कि मेरी 100 साल की जिंदगी है। हाँ।
बड़ा मुनराज बा, तुमने मेरे भाग्य रेखा में बताया कि कोई संकट आ सकता है और तुम अभी 40 साल जीना चाहते हो। मुनराज, अगर मैं आपकी उम्र कम कर दूं तो साला मुझे बताने आया था कि मेरे जीवन में कोई संकट आएगा। अरे तूने भाग रेखा के विषय के बाद बताई मुझे, मैंने तुझे गोली मार दिया, अब देखता हूं कौन संकट आएगा मेरे ऊपर और कौन लाने वाला है। महारानी जी अपने शहर कच्छ में बच्चों को लेकर सोती हैं और वही मंत्री ज्वाला सिंह आता है और देखिए क्या आगे कहानी करता है कि सिंह गौरव के धन्य। देखो कालीचरण, मैं बच्चों को लेकर आराम करने जा रही हूं और आप लोग गेट पर अच्छी तरीके से ड्यूटी करना, ठीक है? देखिए महारानी तो सो गई। सो गई? ओ हम हो यार, ऐसा है काल हमारे गांव रहा नौटंकी। अच्छा? हाँ, सुकुल बाजार के लिए रहा भैया, तो रात भर नौटंकी देखी, हमारी आँखी करवा रही। ऐसा करो थोड़ी देर तुम सो लियो। हाँ। हम जागी और जब हम सो जाए तो तुम जागो, ठीक है? महारानी की जागे पहले दोनों जने जगत ही मिली, जगत है ना, ताकि कोनो बात हुआ ना पाओ ना। चलो तुम सोयो के हम जैसे बताओ, चलो सो जाओ। अरे जागर तो नहीं रे? नहीं, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, हम जागे परेशान ना। सो 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 सो, मुंह सार खान चढ़ो थी बराबर, दांत तो सहरी के नहीं, एक तो एक सहरी आ गया था नटंकी। यो तो सार सोएगा बहु, जो सार सोएगा का हमका जाने पाएगी, हम सो गए। चलो अब हम नींद लागे, अब हम सोई भाई।
मच्छर सर सोवे नहीं दे रहे हैं। हम कहते सो जाओ उन्हें लगा के मोटीन मार डाल अब सर यो और बना के चाउमीन खा लिया हाँ नहीं चुप्पे सो लेकिन मेरे बाप ने कहा था बेटा अगर भद्दर नींद ला गए तो सोए जरूर लियो। अब हम सो लगायो तरजी अच्छी चलिया तुम सी।